चलिए, पहला सच। आजकल सच का सामना आता है टीवी पे, देखते भी आप लोग? अच्छी बात है, तो यहाँ पे भी सच का सामना करना होगा हम लोगों को। हमेशा सच दिखाना होगा हमें लोगों को। कभी हमें ये नहीं कहना होगा कि मैंने इस पर डे कैश बिजनेस से 25,000 कमा के, और उसे अंधकार में रखना है कि मैंने 25,000 कमा के मैंने लाखों रुपए कमाया और यहाँ के पैसे से मैंने गाड़ी ली, बाइक ली। हमें एग्जैक्ट रियल फिगर बताना होगा कि मैंने 25,000 कमाए और आज तक मैं 5,000 रुपये मैंने खर्च किए हैं, और ये 20,000 रुपये है, आने वाले दिनों में मैं 30,000 कमा करके मेरा लैपटॉप, मेरा बाइक लेना चाहता हूँ। क्या ये सच बोल पाएंगे आप लोग? थैंक यू। तो सच का सामना करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। इसके साथ साथ कुछ हम लोगों को अपनाना भी पड़ेगा। सच का सामना करना तो आ गया, अब कुछ अपनाना भी चाहिए। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5। दो बहुत अच्छे से इंसान हमें दिख रहे हैं, राम और श्याम, जुड़वा हैं ये दोनों। पता है आप लोगों को? बता देता हूँ, ये दोनों जुड़वा हैं। देख लिया आपने इन दोनों को? चलिए, पढ़ने की जो है वो बाद में देख लेंगे, पहले इसके फिगर देख लीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा फिगर लग रहा है इन दोनों का, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। अब इन दोनों बच्चे से हम लोग मिल भी लेते हैं। हम लोग देखते हैं राम और श्याम, सीता और गीता, सारे पिक्चर को देखते हैं। एक आदमी बिछड़ता है, एक भाई एक बहन बिछड़ता है, और जैसे हालात में रहता है वो वैसा बन जाता है, जैसी सोच रहती है, जैसा सिचुएशन रहता है वो वैसा बन जाता है। तो यहाँ पे हमें अपनाना क्या पड़ेगा? यहाँ पे ये दोनों आदमी के लिए हमने लिखा है, एक जो कंपनी सपोर्ट नहीं करती, अपलाइन हेल्प नहीं करती, मार्केट में जाता हूँ तो रिजल्ट नहीं मिलता है, डाउनलाइन काम नहीं करते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम पे आउट, एक बहुत सारे। और दूसरे को हम देखते हैं जो हमेशा तैयारी करता है, मैं ऐसे प्लान को दूंगा, मैं कल ट्रेनिंग के लिए मुंबई से आना है तो पुणे सुबह सबसे फर्स्ट लोकल को पकड़ूंगा और यहाँ 10 बजे तक हर हाल में टच हो जाऊँगा, और यहाँ से लौटते वक्त एक दो किताबों को भी लेके जाना है, और साथ में अगर रास्ते में कोई मुझे मिला जहाँ की हमने पहले से तय किया हुआ था वहाँ पे प्लान भी देते हुए जाना है। बहुत सारे ऐसे नए एक्सपेरिमेंट्स, नए सेमिनार्स, रोज़ नई नई योजनाएँ बनाता है। पहला जो सोच रहा है वो भी बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में जाती है, दिमाग है क्या हम लोग इसे देखते हैं? दिमाग एक उपजाऊ ज़मीन है जैसा हम लोग सब कोई जानते हैं, उसके अंदर जो भी हम बो दे देते हैं उसका हजारों लाखों डुप्लीकेशन वो इमीडिएट बना देती है। हमने उसके अंदर बोया कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, कल सुबह सो के उठोगे ना तो पता चलेगा आपके अपलाइन अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, अच्छी बाइक पे नहीं चलता है, ये भी दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि रात में सोच के सोया था ना कि अपलाइन अच्छा नहीं है। तो ये दो चीज़ें कल दिखेगी, परसों और चार चीज़ें दिखेगी कि उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो जो भी आपने दिमाग में डाला उसकी उपज तैयार होगी, और रिजल्ट जो आएगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और अब मैं दूसरे बच्चे की ओर बढ़ता हूँ जिसने एक ट्रेनिंग के लिए यहाँ तक आया। अब वो जब यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएगा उसके दिमाग में भी यही सारी प्रक्रिया होगी, और कल सुबह में उसे दो चीज़ें की ज़रूरत होगी, रजिस्टर्ड कोऑर्डिनेट, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड्स, जुड़ो जुड़ो जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे पाए, प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, और इसका वो सर्च करेगा कि ये अगर नज़दीक के बुक स्टॉल पर नहीं है तो मुझे कहाँ जाना है, मेरे नज़दीक में कोई अच्छा ट्रेनिंग कैंपस चलता है तो मुझे उसका पता लगाना है। दोनों ने अपना अपना प्रक्रिया चालू किया। पहले वाले का भी प्रक्रिया जारी रहा, जहाँ पे दो चीज़ें उसने रात में बोई थी, दूसरे दिन 4, 10,
नई चीज़ें मिली। यहाँ पे भी दूसरे बच्चे ने भी जो वही वही चीज़ें 4 या 10 चीज़ें नहीं मिलेगी, रिजल्ट क्या आएगा? 5 सालों के बाद ये प्रॉब्लम्स, इतना प्रॉब्लम्स हो चुका होगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम के रूप में निर्माण हो चुका होगा कि हर वर्ड उनका प्रॉब्लम से ही शुरू होगा। और ये जो दूसरा जो हमेशा ट्रेनिंग के लिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, इसके पास प्रॉब्लम्स नहीं, ये सारे चीज़ों का सॉल्यूशन होगा और 250 करोड़ होगा साथ में। मेरे ख्याल से राम और श्याम, सीता और गीता सब मैंने आपके सामने रख दिया है, अपनाना किसे है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स की भी लिस्ट कमी नहीं होगी और सक्सेस की भी लिस्ट की कमी नहीं होगी। तो आप, आपका थाली है, आप जहाँ पे जिस चीज़ को रखना चाहते हैं सजा सकते हैं आपके डिशेस को। फेलियर्स या सक्सेस, सक्सेस पाने के क्रम में ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल है, तकलीफें तो आती हैं, प्रॉब्लम्स को भी फेस करने जाओगे तकलीफें आएगी। क्या लगता है आपको, अगर अपने अपलाइन को सिखाना है तो प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा? करना होगा ना, सुबह सुबह जाना होगा उससे झगड़ा करने के लिए, बाइक उठानी होगी, 40 रुपये का पेट्रोल जाएगा, राइट? झगड़ा करके मस्त संतुष्ट होकर लौटोगे कि भाई मैंने तो आज मस्त अपलाइन को 200-400 सुना के आया हूँ। प्रोसेस वही हुआ, 40 रुपये का पेट्रोल आपने वेस्ट किया अपलाइन को सुनाने के लिए, कंपनी को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, और यही 40 रुपये के पेट्रोल से आप अपने लिए सक्सेस का एक रास्ता तैयार कर सकते थे, एक लोगों को प्लान दे सकते थे, एक लोगों को ट्रेनिंग तक ला सकते थे। तो दोनों भी चीज़ें आप ही के पास हैं, इसे तय करना आप लोगों के पास है कि राम या श्याम। चूँकि इसमें मैंने नाम नहीं लिखा है तो आप लोग अपने हिसाब से अपना नाम जहाँ पे डालना चाहे लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों बच्चे आपको पसंद नहीं आए, अगर पसंद आए तो कुछ ज़ोरदार तालियां चाहिए होगी मुझे। तो कौन से बच्चे को अपनाना चाहेंगे आप लोग? 250 करोड़, बिल्कुल राइट। इसके अलावा दिमाग में कोई भी चीज़ आएगी क्या, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स? जितने प्रॉब्लम्स डालोगे उसका डुप्लीकेशन 1000 गुना में आएगा और वो प्रॉब्लम्स की एक बहुत बड़ी फसल तैयार हो जाएगी। तो उसे काटने के लिए जगह ही नहीं देना है अपने दिमाग में, इस चीज़ों को आने ही नहीं देना है। अगर 250 करोड़ का प्लान लेके चल रहे हो तो मार्केट ने ये कहा, अपलाइन ने ये कहा, कंपनी ने कल तो मेरा फ़ोन का जवाब ही नहीं दिया, कस्टमर केयर ने रिप्लाई नहीं दिया, XYZ जितनी भी चीज़ें हैं दिमाग में रखेंगे तो जो रिजल्ट आना है लेफ्ट और राइट वो आपके सामने है। तो अपनाना जिसे है वो आप लोग समझ चुके हैं, जो सच का सामना करना है मेरे ख्याल से वो लोग सीख चुके हैं। आपने जैसा बताया कि हर हाल में 20,000 इनकम हुई है तो मार्केट में 20,000 ही बताना है, ना ही कभी इनकम से बढ़ के आपको लोन पे गाड़ी, 4-व्हीलर कुछ लेनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कंपनी में लोग मेरे प्लान को दिखाने के लिए किसी भी तरीके का उधार का सहारा ले। आप कमा कर करके भी जो आज दिखाना चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने समाज को, वो 2 महीने के अंदर ले सकते हैं। इंतज़ार कीजिए इस 2 महीने का, नहीं चाहिए ये दिखावे की ज़िंदगी। लोन लेना नहीं है आपको, इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए तो सिर्फ आपकी जिद, लोन नहीं चाहिए। हर हाल में जो भी आपने सपना देखा है, 4-व्हीलर 2-व्हीलर 250 करोड़ सभी आएंगे, लेकिन अगर आप इसे शॉर्टकट के रूप में अपनाने को जाओगे कि मैं गाड़ी दिखा देता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ज्वाइनिंग आएगी, ऐसा मानना शायद आगे चल करके नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो आप हो सकता है एंजॉय के लिए, टूर के लिए बीवी बच्चे के साथ निकल पड़ो, उस टाइम पे आपका ध्यान डाउनलाइन के ऊपर नहीं रहेगा और आपका इनकम का ग्राफ नीचे आ सकता है।
करना है आपको, जब आप कमा चुके होंगे उस पैसे से जो भी परचेज करना है कर सकते हो, लोन लेना है ले सकते हो। 4 लाख रुपया कमा लिया आपने, 2 लाख रुपया साइड में रखे हैं, 2 लाख लोन लिया क्योंकि गवर्नमेंट लोन को छूट देती है, लेना है हमें, लेकिन 4 लाख कमाने के बाद 4 लाख की गाड़ी लेनी है। सहमत हैं? बहुत अच्छा, बहुत समझदार हैं आप लोग। तो बढ़े हम लोग 250 करोड़ की ओर। तो इसके लिए कुछ टेक्निक भी सीखना पड़ेगा सर। सीख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब भी 1600 लोग दे के आते हैं तो वो प्रोडक्ट के लिए आते हैं। बाद में जब ये 21 चीज़ों का सिलेबस उसके सामने आप रखते हो तो वो बताता है कि हाँ मैं ये करना चाहूँगा, करना चाहता हूँ। अदरवाइज बोलेगा ये 21 चीज़ों को मुझे करना नहीं। उससे प्रोडक्ट दे कर करके उनका धन्यवाद कीजिए कि उनकी वजह से एक दिन की रोजी रोटी हमारी इजाफा हुआ है, हमें सक्सेस में, हमें प्लान में टिके रहने के लिए एक दिन के लिए उसने हमें सहारा दिया है। उनका समाधान कीजिए, उन्होंने जिस प्रोडक्ट के लिए आपके पास ज्वाइनिंग किया उस प्रोडक्ट को उसके पास पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि ये प्रोडक्ट आपका हो गया, आपका लॉस नहीं रहा। हाँ, अगर इस प्लान में काम करना चाहते हो तो ये 21 चीज़ें, इसमें कोई रियायत नहीं है, इसमें कोई रियायत नहीं है कि जिसे प्लान करना है वो ये सारी चीज़ें नहीं सीखेगा और प्लान के 250 करोड़ आएंगे। तो मेरे ख्याल से सच का सामना में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे जो ये 21 चीज़ों को नहीं करेगा, इस चीज़ों को नहीं अपनाएगा उसके पास 250 करोड़ आएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो हमें ऐसे लोगों को अलग करना है, पहचान करनी है हमें कि कौन यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आए हैं और कौन है जो कि प्लान के लिए आए हैं। प्लान में भी कैटेगरी होगी, एक होगा जो 24 घंटे कल पुणे में ट्रेनिंग है, रात में 9 बजे न्यूज मिली है और सुबह में यहाँ पे हाजिर है। एक ऐसे लोग भी होंगे जिसे अपने 4 दिन पहले भी कहा होगा और आज एंड टाइम पे बहुत सारे वाहनों की लिस्ट, बाना साइटिस बड़ी सोच का बड़ा जादू में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सारी लिस्ट लेके तैयार बैठा होगा। जैसा मैंने बताया कि आपके इनकम का चार्ट क्या होना चाहिए, आप इनकम करोगे तो 10% आपको एजुकेशन के तौर पर खर्च करना है, 20% सेमिनार ट्रेनिंग के लिए खर्च करना है। ऐसा ही यहाँ पर आपको अपने टाइम का इन्वेस्ट, टाइम का मैनेजमेंट आपको करना होगा कि मुझे किन लोगों के साथ कितना टाइम देना है। जो प्रोडक्ट के लिए आए हैं उनका दिल से शुक्रिया और उन्हें उनका प्रोडक्ट, उनका समाधान उनके पास दे करके, जैसा अभी आप लोगों ने इंडक्शन कुकर देखा होगा कि उसमें चाय बहुत अच्छी बनती है, वो चाय के लिए सिर्फ उनके घर पर जाना है, राइट। प्लान लेके अगली बार, सिलेबस लेके अगली बार उनके पास जाना नहीं है। अब जो लोगों को आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लाया था उनका प्रोडक्ट से समाधान कर दिया, अब लोग बचे एक जिनको कि आपने रात में 9 बजे बताया और सुबह में आ गए, उनके लिए आपको अपने ज़िंदगी का यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया इस बिजनेस के लिए उसका 40% देना है, राइट सर। 10% समय ऐसे लोगों के लिए बचा करके रखिए जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज किए थे, उन्हें सर्विसेज देनी है। और 20% लोगों के लिए ऐसे समय को बचा करके रखिए आप जो 4 दिनों के बाद बताते हैं बहाना, उनके लिए सिर्फ 20% समय आपके पास होना चाहिए क्योंकि वो बहाने की लिस्ट में हैं, वो कतार से ना बाहर हैं ना अंदर, राइट। तो 100% वाले लोगों के लिए 40% समय आपके पास होना चाहिए, जो कतार में हैं उनके पास 20% और जो प्रोडक्ट महाशय के लिए आए हैं उनका एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा कीजिए और उन्हें 10% टाइम जरूर दीजिए। अब ये जो टाइम हमें देना है 40% ऐसे लोगों के साथ, तो हमें प्लान को भी देखना होगा, हमारा प्लान है क्या। हमारा प्लान है लेवल वाइज, पता है सर, अगर हम प्रत्येक दिन 2400 रुपया कमाते रहें, लीडरशिप लेते रहें, तो करोड़ों रुपये हमारे पास आने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो
तो हमें लेवल के ऊपर काम करना होगा, ऐसे लोगों को हमें ऊपर की लिस्ट में रखना होगा जिन्होंने प्लान के लिए ज्वाइनिंग किया है, और हमारा 40% टाइम हम इन्हें देंगे, जिससे आपने जो अभी थोड़ा टाइम पहले किसी ने बताया 1 साल, किसी ने बताया 5 साल, किसी ने बताया 2 साल, तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे हम एक मंथ में भी सिर्फ और सिर्फ 100% प्लान के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे 2 लोगों की भी टीम को हम अगर अपने लिए बनाते हैं, तो हमें अपना 250 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए कितना वक्त लगेगा? हाँ जी, 30 दिन में हमारा एक लेवल कंप्लीट होगा, 30 दिन में हमारे पास 100 ज्वाइनिंग आएगी, लेकिन 98 लोगों में से कुछ कतार वाले लोग हैं और कुछ प्रोडक्ट वाले लोग हैं, तो मुझे ऐसे 100 लोगों में से 2 लोगों को ही इस लेवल में बैठाना है कि ये लोग हमारा पहले लेवल को कंप्लीट कर रहे हैं। और अब हम 1+2 यानी 3 आदमी मिलकर करके निकलते हैं दूसरे लेवल की ओर, क्योंकि 40% टाइम मैंने आपको बताया इन लोगों को देना है। अब जब हम 3 आदमी मिलकर के निकलेंगे अगले महीने, तो आपको क्या लगता है 4 लोगों को लाना कुछ ज़्यादा मुश्किल? हाँ जी, ओके, थोड़ा मुश्किल लग रहा है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग कितने हो गए, और अगले महीने का हमारा टारगेट क्या है? सिर्फ 8 लोगों को लाना है, राइट? 8 लोग नहीं आएंगे अगले महीने, 800 लोग आएंगे, लेकिन 8 लोगों को हमें तय करना है कि ये लोग प्लान के लिए आए हैं, ये लोग हमारे लेवल के लिए आए हैं, और इन लोगों को लेकर करके हमें अपना लेवल कंप्लीट करना है। तीसरे मंथ में हम लोग 8 यानी कि टोटल अब 15 लोग हम लोग हो चुके हैं, और हम लोग 3 लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे मंथ में क्या हो जाएगा सर? अरे भाई, पिछली बार मैं सेमिनार में आया था, सर के साहब एक कैलकुलेटर वाले आदमी हुआ करते थे आपके पास, फटाफट जोड़ के बताते थे, आज क्या कैलकुलेटर वगैरह लेके कोई नहीं आए? हाँ जी, चौथे मंथ में हमें 16 लोगों की टीम को तैयार करना है जो 100% प्लान के लिए काम करें। इसे लाने के लिए कितने लोग जाएंगे घर से? 15, और लोगों को लाना कितना है? बहुत अच्छा। अब हमारा चौथा लेवल कंप्लीट होता है, हम 5वें मंथ के टारगेट की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल फास्ट कीजिए, वेरी गुड। इसे लाने के लिए लोग कितने जाएंगे? बहुत अच्छी बात है। 6ठे मंथ और लाने के लिए लोग, बहुत अच्छा, लगता है शॉर्टकट मिल चुका है आप लोगों को। 7वें महीने, हाँ जी, और लाने के लिए लोग कितने लगेंगे? ओके, 127 लोग जब मार्केट में जाएंगे तो 128 लोगों को लाना मुश्किल लगता है? बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों में लाना है? बहुत अच्छा। 8वें मंथ, राइट, जाने के लिए लोग कितने रहेंगे? 256 को लाना है हमें, उसे लाने के लिए जो लोग जाएंगे, मुहूर्त का जो नारियल फोड़ने के लिए जाएंगे, वो है 255। 9वें महीने सर जी, और लोग कितने जाएंगे इस बार घर से? ओके, 10वें महीने, ओके, और इस बार लोग कितने जाएंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 11वें महीने, हाँ जी, ओके ओके, लगता है आगे की गिनती में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जोर से बोलिए, ओके, और इसे लाने के लिए लोग कितने जाएंगे? अच्छी बात है। 12वें महीने, ओके, और उसे लाने के लिए, बहुत अच्छा। ये 12 महीने में हम लोग कहाँ तक कमा चुके होंगे, कुछ आइडिया है? हाँ जी, हाँ हाँ,
पहला 12 लेवल कंप्लीट जब होता है आपको 4,09,000 लेवल इनकम के नाम पे मिलता है, और इतने सारे दिनों में जो भी प्रोडक्ट वाले लोग आए थे, जो भी लीडरशिप के लिए काम कर रहे थे, वो भी आपको मिला, राइट। अब हम लोग न्यू लेवल इनकम की ओर बढ़ते हैं। 13वां महीना, गिनती करने की आदत तो डालनी होगी, क्योंकि जब तक आप गिनोगे नहीं, जब तक आपके सामने डिजिट नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट किसके पीछे जाना है वो पता कैसे चलेगा। तो गिनती गिननी, बढ़ते हैं 13वें महीने की ओर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर जोड़ घटा में दिक्कत आ रही है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, बगल वाले की मदद लीजिए। मुझे नहीं आता है, अरे नहीं आता है, शर्म करने से क्या फर्क पड़ता है, बगल वाले से पूछो नहीं आता है, बताओ भाई जोड़ के पूछो नहीं आता है, पूछो बगल वाले से, बताएंगे वो, उसे आता है। 13वें महीने लोग कितने आएंगे? वेरी गुड। जाने के उसे लाने के लिए लोग कितने जाएंगे? बहुत अच्छा। 14वें महीने, हाँ जी, बहुत अच्छा। और इसे लाने के लिए लोग, बहुत अच्छी बात है। 15वें महीने, ओके। और इस बार जाने के इसे लाने के लिए जो लोग जाएंगे वो, ओके ओके। 16वें महीने, अच्छा। और इसे लाने के लिए जो लोग जाएंगे वो कितने होंगे? 35। एक काम कर दिया करो ना भाई, इतने तो। चलो 17वें महीने, ओके। और इसे लाने के लिए जो लोग होंगे, क्या लगता है ये सारे लोगों को आप अकेले ला रहे हो, ये सारे लोगों की हेल्प ले रहे हो, कैसा लगता क्या है आपको? ओके, टीम वर्क आप लोगों को पता चल चुका है। चलिए 8वें महीने की ओर बढ़ते, हाँ जी, करेक्ट आंसर। इसे लाने के लिए जो लोग जाएंगे, ओके। 19वें महीने, ओके। और इसे लाने के लिए जो लोग जाएंगे, मुझे लगता है आगे की गिनती आप लोगों की कमजोर होती जा रही है, पहले एक बार जोर से ज़्यादा तालियां चाहिए मुझे। और जहां पे इतने सारे लक्ष्मी आने जा रही है तो थोड़ा खड़ा होकर के स्वागत कीजिए, और अब तालियां बजाइए। बढ़ते हैं हम लोग 20वें महीने की ओर। बढ़े, वेरी गुड। और लाने के लिए लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 21वें महीने, वेरी गुड। और इसे जो लोग जाएंगे लाने के लिए, ओके ओके ओके। 22वें महीने, ओके। और इसे जो जाएंगे लेके आने के लिए, अरे लाना पड़ेगा ना इन लोगों को, ये अपने से थोड़ा चल के आने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 303 चलेगा, एक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, आपके लिए एक डिस्काउंट दिया। ज्यादा लेके आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लेके आ रहे हो मैं रख लेता हूँ।
23वें महीने और इसे लाने के लिए जो लोग लगेंगे, आवाज कम हो रही है, फिर से मैं खड़ा करवा सकता हूँ, इसलिए जोर से बोलिए, अभी खड़ा नहीं होना है, जोर से बोलना है। ओके, शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा। 24वें महीने हाँ, सवा सौ करोड़ में 1 करोड़ 67 लाख कुछ ज़्यादा टारगेट दे दिया क्या आप लोगों को, ऐसा लगता है क्या? हाँ जी, सवा सौ करोड़ की आबादी है, इतने लोग आपके टीम में आ सकते हैं या नहीं? तो आप पा सकते हो 250 करोड़। आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी में बताता हूं। सीए साहब पंजाबी जी, अगर 1000 एवरी मंथ हम लोग किसी म्यूचुअल फंड में 35 साल तक जमा करें तो फंड कहां तक जाएगा? जी हां, 1000 एवरी मंथ, साल के 12000, 10 साल के 1,20,000, 30 साल के 3,60,000, 35 साल के, अरे थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो भाई। हाँ हाँ, फिर से जोड़िए, 1000 रुपये महीने के, साल के 12000, 10 साल के 1,20,000, हाँ जी बिल्कुल सही, इसका मतलब आप लोग जोड़ना सीख चुके हैं। ये 4,20,000 जो अमाउंट है, 35 सालों में पता है आपको कितना रुपए रिफंड कर सकती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़। लग रहा है ऐसा होता है? ये फैक्ट है, आप किसी भी इकोनॉमिकल सर्वे से, आज तक का ये रिजल्ट है 2009, और यहाँ पे अभी तक में जितने भी लोगों ने इस सिस्टम से पैसे लगाए हैं म्यूचुअल फंड में, उनको ऐसा रिटर्न्स मिला है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इसका सहारा लिया है कि जब 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट वो 35 साल तक करते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट उसे मिल सकता है। अगर महीने में आप लोगों ने 2 लोगों का भी सही से इन्वेस्ट किया तो 24 महीने में रिटर्न्स कितना मिल सकता है? तो कहीं पे भी आप लोगों को इसमें शंका है या कुछ है तो मैं हूं सामने, पूछ सकते हैं। कोई बताना चाहेगा कि इस वजह से इसे अचीव नहीं किया जा सकता है? पिकासो पेबलो की कहानी कितने लोगों को पता है? हाँ जी, यस सर, वही तो मैंने बताया सर कि प्रोडक्ट वाले लोगों को प्रोडक्ट का समाधान दे कर करके उनके नीचे काम स्टार्ट करवाना है कि हर हाल में आपको पता चल चुका है कि ये लेवल इनकम मेरा बंद कर सकता है, वहां पे काम आपको स्टार्ट करवाना है। जी हाँ, नहीं तो ये तो आपको प्रोडक्ट देते हुए जब ही आए थे लोग, प्रोडक्ट लेने के लिए जब ही आए थे उस वक्त तो आपने उनके सामने ये सारी चीजें रखी नहीं थी। कमाना 250 करोड़ उसने है या आपने है? मेहनत उसे करना होगा, गलती आपकी थी कि वो आदमी को जब भी आपने इंडिका बेची थी उसको ड्राइविंग नहीं आता था, वो आपको पता नहीं था, तो उसके बदले का काम आप करो।
और यहाँ पे मैंने आपको आसान बनाने के लिए बताया है कि ऐसे लोगों को सर्च करो कि जो दो लोग प्लान पे काम करते हो उनके साथ काम करो ना, 40% टाइम उनके साथ दोगे हर हाल में, महीने में एक लेवल कंप्लीट नहीं। मुझे ऐसा अगर नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे और पेबलो की कहानी में भी यही चीज है कि दो दोस्त एक गांव में रहते थे और वो लोग पानी लाने के लिए दूसरे पहाड़ी से पानी लाके अपने गांव में बेचा करते थे और उसे इसके बदले में पैसे मिलते थे। वो लोग दिन रात, किसी को ये कहानी पता है, बताएंगे आप लोग? और पेबलो की कहानी में जो हमें सीखने को मिला था वो ये था कि हम अपने कार्य को करते हुए अपने बचे हुए समय का सही से सदुपयोग करते हुए अपने लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण हम अपना कार्य का या पैसे का पैमाना या जो भी सफलता का पैमाना हर लोगों का अलग अलग ये रहेगा, हम लोग अपने लिए उस एक स्रोत का निर्माण कर सकते हैं। मतलब हम लोग अगर किसी चीज़ के खुशी के लिए कर रहे हैं तो खुशी हम अपने कार्य को करते हुए खुशी को और तलाशें तो जिसमें हमें और ज़्यादा खुशी मिले। सेम इसी तरीके से हम लोग जो अपने पीडीसी बिजनेस में आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के लिए आए हुए रहेंगे, हमें उनका सम्मान करना है, उनके प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी है और उनके घर तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाना है और अपने प्लान में काम करने वाले लोगों के साथ ये 250 करोड़ की मंजिल को हमें तय करना है। हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए। अब मैं प्लान के बारे में, सर जो भी था मेरा गोल के बारे में, विजन के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि आप अपने गोल्स को इस टाइप से सेट कर सकते हैं। सारी पुस्तकें, सारे ट्रेनिंग आपको इस टाइप से मदद करेंगी आपके गोल को निर्धारित करने के लिए। अब हमारी कंपनी में जो कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं उसके बारे में मैं एक बार बता दूँ, चूँकि उसके बाद पिन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ समारोह होने जा रहा है तो मुझे वक्त नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पेज नंबर 7 को फिर से खड़े होकर के एक बार हम लोग पढ़ें। और इस पेज नंबर 7 का जो पढ़ाई है हमें इस प्लान के लिए, जो अभी मैंने बताया इस गोल निर्धारित के लिए, इस पेज नंबर 7 से ही हमें चलना है। ये शक्ति हमें मिले इस हिसाब से हमें इस पेज को पढ़ना है। मुझे अपने साथ रहना है और इसलिए मैं इस लायक बनना चाहता हूँ कि खुद को जानूं। गुजरते वक्त के साथ मैं चाहता हूँ हमेशा अपनी आँखों में आँखें डालकर देखना। मैं नहीं चाहता डूबते सूरज के साथ खड़े रहना और अपने किए कामों के लिए खुद से नफरत करना। मैं अपनी अलमारी में रखना नहीं चाहता अपने बारे में बहुत से रहस्य और आते जाते यह सोचने की मूर्खता नहीं करना चाहता कि किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा कि मैं सचमुच किस तरह का आदमी हूँ। मैं छल की पोशाक नहीं पहनना चाहता। मैं सिर उठाकर बाहर जाना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों का सम्मान पाना चाहता हूँ, परंतु दौलत और शोहरत के इस संघर्ष में मैं चाहता हूँ कि खुद को पसंद करूँ। मैं खुद की तरफ देखकर यह नहीं सोचना चाहता कि मैं सेखीबाज हूँ, झूठा हूँ, खोखला नाटक कर रहा हूँ। मैं खुद की निगाह से कभी नहीं छुप सकता। मैं वह देखता हूँ जो दूसरे कभी नहीं देख सकते। मैं वह जानता हूँ जो दूसरे कभी नहीं जान सकते। मैं कभी अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकता और इसलिए चाहे जो हो मैं बनना चाहता हूँ आत्मसम्मान से पूर्ण और मुक्त अंतरात्मा वाला। अपने गोल के लिए इस पेज का सहारा लीजिए और इस पेज मैं बताए हुए और जो सच का सामना मैंने बताया है इसे करते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद में आप लोग आगे बढ़िए। मेरे तरफ से यही शुभकामनाएँ हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और मैं कुछ कंपनी के आने वाले, बैठ सकते हैं आप लोग, कुछ अपकमिंग फैसिलिटी जो मैं देना चाहता हूँ उसे बता दूँ। लेकिन एक चीज़ स्टार, कोई भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कब आएगी ये टाइम निर्धारित नहीं है, क्योंकि हम अगर 2 महीना कहें और 1.5 महीने के लिए गलत होगा और मैं 2 महीने कह करके हो सकता है टेक्निकल रीजन से वो 2.5 महीने चला जाए, तो इसके लिए मैं टाइम यहाँ पे फाउंडेशन नहीं लेना चाहूँगा। हम लोग लेवल इनकम, न्यू लेवल इनकम को जानते हैं, खुशी की बात है
कि न्यू लेवल इनकम 1 आ रहा है, लेवल इनकम जो 24 लेवल तक कभी 250 करोड़ कमा के दे रहा है, जब न्यू लेवल इनकम आएगा तो आप सोच सकते हो कि ये जो लोग आए हुए हैं प्रोडक्ट के लिए, इसके बाद भी आपके पास कितने सारे चांसेस हैं। न्यू लेवल 1 और न्यू लेवल 2 यानी अब आप लोग 48 लेवल तक लेवल इनकम पा सकोगे। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गर्मी ज़्यादा ही है, तो आप लोगों को थोड़ा हांगकांग वगैरह भिजवा देना चाहिए, स्विट्जरलैंड। हम लोग आने वाले दिनों में, जैसा ईपिन हमारा 1600 रुपये का एजुकेशन पैकेज का है, ऐसा ही हम लोगों ने अपने लिए ईपिन प्रोडक्ट के हिसाब से तैयार किया है कि जो 6000 का हमारा प्रोडक्ट है, अगर कोई 6000 रुपये के ईपिन से ज्वाइनिंग करता है, मीन्स विथ प्रोडक्ट वो ज्वाइनिंग करता है, तो उसके ऊपर उनके अपलाइन को ये सारे टारगेट्स अचीव करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, जैसे अभी हम लोगों को एजुकेशन पैकेज दे करके ज्वाइन करते हैं, ऐसा ही अभी जो हमारे पास के पैकेजेस हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट हैं हमारे पास, कुछ प्रोडक्ट में हम लोग आप लोगों को हांगकांग लेके जाना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स देना चाहते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया ये रहेगा कि उन्हें 1600 रुपये के ईपिन से ज्वाइन नहीं करना है, उन्हें डायरेक्ट 6000 रुपये के ईपिन से ज्वाइन करना है। उनकी ज्वाइनिंग भी, उनकी एजुकेशन पैकेज भी, प्लस प्रोडक्ट भी एक साथ ही उन्हें मिल जाएगा, और इसके बदले में आप हांगकांग से घूम के आओगे। बहुत जल्द आएगा सारे सिस्टम को हम लोग, यस यस आएगा, टाइम टू टाइम आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। सारे सिस्टम को हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंप्लेंट्स आपकी ऑनलाइन हो चुकी है। हमारा कस्टमर केयर भी आपके सारे मैसेजेस को रिकॉर्ड करेगा, और हम लोग अपने टेक्निक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा साफ सुथरे हम लोग बनाने जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में हम लोग ऐड देने जा रहे हैं, जिससे हमारे लिए मार्केटिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। और कंपनी VKC7 जो कंपनी का है, सिस्टम कंसर्न कंपनी है, बस VKC7 प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किए हैं अपने प्रोडक्ट्स। इनसे मिलकर करके कंपनी नेक्स्ट ईयर में पूरे इंडिया में 30 रिटेल चेन शॉपिंग कंपनी और VKC7 मिलकर के डालेगी। ये हम लोग मार्च से दिसंबर तक में पूरा करेंगे। और जैसा मैंने बोला, लोगों को ट्रेनिंग कंपनी से चाहिए है, इसके लिए हम लोग अपने ही सिस्टम कंपनी कंपनी वर्ल्ड ऑफ विनर के साथ मिलकर करके हम लोग एजुकेशन को भी इसी टाइप से हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स ओपन करेंगे। तो मुझे लगता है आज मैंने आप लोगों का काफ़ी सारा वक्त लिया है, और शायद मैं भावना में बह करके कुछ कम या ज़्यादा बोल चुका होऊंगा, तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि नकुरे साहब अपने कार्यक्रम को, ईपिन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अनाउंसमेंट कुछ करने वाले हैं, लेकिन बोलते हैं कि कभी ना कभी सरस्वती का वास किसी की जवान पे आ जाता है, तो आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो न्यू लेवल इनकम 148 लेवल तक पहुंचा दिया गया है, उसकी जोरदार तालियों से हम एमडी साहब का स्वागत करेंगे। वैसे ही एमडी साहब ने हमें आज बहुत कुछ देके बहुत गर्म किया है, हॉल के अंदर भी गर्मी काफी है, उसी के साथ गर्मी को गर्मी मारे तो चाय का इंतजाम किया गया है। आप सबने जल्दी से जल्दी चाय का लुफ्त उठा के, स्मिता जी ने
मोहम्मद बुल्ला, देवीदास बाबुल, पिंडिया सोनकर, दीपक कोमानी, रेखा पवार, शांतारा एंटरप्राइजेस, शशांक चपटाले, दत्तात्रेय कुलकर्णी, बालू राठौर, दत्तात्रेय कबाड़े, कल्याणी शहाने, योगेश सुभाष अरगड़े, सुभाष दिगंबर सरोदे, परवन नंद के नंदा, कानीलाल रतिराम नागुंडे, संतोष अन्ना पाटिल, संतोष शंकर चौहान, राजेश पंजाबी, रतन सिंह जी तोमर, बबन लक्ष्मण शिंदे, मीना जगदीश देशमुख, उदय कुमार कल्याणराव पाटिल, शिवाजी अशोक जायभाये, विलास हरी मेहर, अविनाश कोंडीबा सावे, पंकज बी आयराव, शबीर रशीद शेख, सचिन यस थोरा, अपरली मंदा सतीश सालंगे, चंद्रकांत रमेश निंबालकर, सुनील सूर्यकांत चौहान, विनोद बी परदेसी, प्रसन्ना बी वामने, देवन सीखेगा, वही जीतेगा। ओके, थैंक यू।